हाँ नवयांश निकाला था उसका आंसर। सर 8-0 निकाला था, लेकिन क्रेश वाली बात तो समझ में आ रहा था, डिग्री। समझ आ गई थी। एक बार जब तू सबको वेज पे और ट्रांस पे रखेगा तब तो हो जाएगा POS, समझा? और एक बार उल्टा कर देगा जब, समझ गया कि नहीं? यस सर। उल्टा मतलब डैश डैश और ट्रांस भी रखेगा तो क्या आ जाएगा? COS आ जाएगा। तब COS आ जाएगा, इसीलिए इसमें आंसर आएगा 6 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बार COS आएगा, एक बार POS आएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? और तो यस नवयांश पीछे वाला क्लियर हो गया क्या? पीछे जो कराया था सर, एक बार आप वो फिगर बना दो, मैं आपको बताता हूँ डाउट क्या था, यार नहीं फिगर, आया अब था समझ में। वो सेम तो ये नवयांश, एक बार तू रुक जा तो रुक जा, क्योंकि सेम फिगर नहीं बनेगी ना, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कोई और बनेगा वो। ठीक है सर, मैं बाद में पूछूंगा। या तो एक मैं कोई देखता हूँ कि जो बनता है इससे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। ये IIT में पूछा हुआ है एक क्वेश्चन इस टाइप का, इसीलिए पूछा मैंने ये। मान ले अगर ऐसे ही ले लेते हैं इसको, यहां ले लेते हैं से F, ये F ले लिया, यहां वेरिएबल कर रहा हूं मैं, अब यहां वेरिएबल और F, इसी टाइप का क्वेश्चन था ना वो। सर उसमें एक डबल बॉन्ड भी था ऊपर वाले पे लास्ट में, जब अब ट्रांस वो यहां चेंज ले करी। लिया, डबल बॉन्ड ने यहां ले लिया ना, ठीक है सर, इसमें था ना आंसर। जल्दी दो उसका आंसर, ये तो मैंने रिपीट किया क्वेश्चन। निकाला आंसर क्या? निकाला किसी ने आंसर?
यार पे निकाला आंसर क्या? अरे लास्ट वाले का निकालना था। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, क्या एक आंसर है देखो इसका। इसमें कितने वेरिएबल का वेरिएबल सेंटर्स हैं, सीरो सेंटर्स, वेरिएबल सीरो सेंटर्स कितने हैं इसमें? यहाँ पे ऐसा एक, आएगा डॉट, ये यहाँ पे ही आएगा पता ना, दो, टू दो होंगे। दो होंगे। कृषि कितने होंगे इसमें वेरिएबल सेंटर्स? नहीं पता है इसमें वेरिएबल सेंटर्स कितने हैं? दो तीन होंगे सर। इसमें वेरिएबल सेंटर्स कितने हैं? तीन। तीन 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 हाँ तीन है इसमें, ध्यान रखना। एक एक यहाँ पे, क्योंकि ये अप डाउन दोनों हो सकता है, ये अप डाउन दोनों हो सकता है, और ऐसे ही ये वाला। तो तीन वेरिएबल सेंटर्स हैं इसमें, भी आंसर आएगा 2:3, 8 आएगा, 0 आइसमर्स, 8 आएगा, लेकिन 8 में से -1 कर देंगे, 7 आएगा ऑप्टिकली एक्टिव, 7 आएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट नोट करना है। तेरे को क्लियर हो गया नवांश? क्या सर मैं बाद में पूछता हूँ क्वेश्चन, तो अच्छा अभी सही, जाना। चलो ये हो गया ना, अभी नेक्स्ट करना क्वेश्चन। ठीक टोटल 0 इसमें से कर लें, CLBR, CLBR बॉन्ड, CLBR, ये बॉन्ड तो है ही साथ में, ये निकालो इसमें टोटल 0 इसमें।
बोलना कुछ आंसर। निकाला किसी ने आंसर तीनों का? बोल क्रेश, इसमें तीनों में क्या आएगा आंसर? अच्छा क्रेश, अच्छा आयुष, 2-4-4। 2-4-4। और किसी को चेंज करना आंसर, कि यही आंसर है? और किसी को चेंज करना आंसर? ये कैसे 2-2-2। बोला है? नव्यांश, नव्यांश। और कोई? टू चलो देखें, देखो टू ये निकाला जीरो आना चाहिए। हाँ बोल परपित। सर, 2-2-0। 2-2-0। देखो अब, देखो आंसर वन। ये इसमें तो सिस ट्रांस बनेगा, प्लेनम सिमेट्री दोनों केस में रहेगी, तो इसमें सिर्फ सिस और ट्रांस रहेगा, 2-0 आइसोमर्स। सही ना? 2-0 आइसोमर्स। नेक्स्ट वाले में कब प्लेनम सिमेट्री नहीं आएगी कभी भी? नेक्स्ट वाले में प्लेनम सिमेट्री नहीं आएगी कभी भी, क्लियर है कि नहीं? ये तो इसलिए ये भी काली सेंटर अलग है, ये काली सेंटर अलग है। तुम इधर जा रहे हो ऊपर सीएल, इधर ये पूरा, इधर ये डबल बॉन्ड, और नीचे एच। डिफरेंट है दोनों, दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसमें 2:2 सिस का भी एनेंशियम बनेगा, ट्रांस का भी एनेंशियम बनेगा। 2:2-4 आएगा सीरो इसमर्स। क्लियर है कि नहीं? ये फोर हाँ सीरो इसमर्स आएगा। और सर, लास्ट वाला टू केस, है पर टू है। हाँ लास्ट वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ाना था मेरे को, इसलिए दिया क्वेश्चन पूरा। ये लास्ट वाले में रिजिड कार्य सेंटर्स हैं, ये रिजिड कार्य सेंटर्स है, ये डिपेंडेंट कार्य सेंटर्स है। डिपेंडेंट तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे जो कार्यल है 22 और कंपाउंड में आते हैं, ये रिजिड कार्य सेंटर्स, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों को अगर मैं किसी एक वैलेंसी को भी चेंज करता हूं, तो क्या दूसरा कार्बन अफेक्ट नहीं होगा उससे? नहीं क्लियर है? मान लो ये वाला वेज पे था, ये डैश पे था, अगर मैंने वेज और डैश को इंटरचेंज किया, तो ये कार्बन, इस कार्बन का आर था तो एस हो जाएगा कि नहीं? अरे तुम एक चेंज करते हो तो ये है, जैसे ये है एच है, ओ एच है, CH3 है, और NH2 है मान लो। तो तुम अगर किसी एक को इंटरचेंज, मान लो एच और ओ एच को तुमने इंटरचेंज कर दिया, एच और ओ एच को अगर इंटरचेंज किया, किसी भी दो को इंटरचेंज कर दो, तो क्या कंफिग्रेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं? अभी क्या यस है सर, ये 1, 2, 3, हम जा रहे हैं ऐसे, एस है तो एस ही रहेगा। मान लो मैंने एच और ओ एच को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर ओ एच आ गया, नीचे एच आ गया, इधर NH2 आ गया, और इधर आ गया CH3। अब देखो इधर 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, अब ऐसे जा रहे हैं, लेकिन है एच हॉरिजॉन्टल पे, तो उल्टा आर हो जाएगा। आया समझ के? नहीं, एक चेंज करते ही कंसंट्रेशन चेंज होती है कि नहीं? तो इस कार्बन पे अगर मैं वेज को डैश बना दूं, डैश को वेज बना दूं, तो अगर इस कार्बन पे चेंज आएगा, तो इस कार्बन में चेंज नहीं आएगा क्या? दोनों इंटरकनेक्टेड है ना आपस में, इन्हें कहते हैं डिपेंडेंट कार्य सेंटर्स। तो इसलिए इस केस में आंसर यही आएगा सिर्फ। नहीं समझाया? इसमें इसकी मिरर इमेज। ये क्लियर हुआ कि नहीं? दो ही आएंगे सीरो यस सेंटर्स इसमें, दो ही सीरो कार्बन कार्य सेंटर दो हैं इसमें, लेकिन सीरो आइसोमर्स आएंगे दो ही, तब भी सीरो आइसोमर दो ही आएंगे जबकि दो कार्य सेंटर हैं इसके पास। नहीं क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देना यस सर, हो गया। ये क्वेश्चन तो IIT बहुत पूछता है। जैसे अगला मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन एक, ये रिजिड कार्य सेंटर ध्यान रखना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार IIT ने पूछा हुआ इसको। देखो नेक्स्ट, जैसे ये ले लिया एक,
और इसी में बताना इसमें कितने होंगे, इसी में दे दिया अगर मैंने CL BR, इसमें कितने होंगे बताओ, इसमें कितने सी और इसमें बनेंगे? दो ही बनेंगे जीरो ना, क्यों जीरो क्यों? तो सिमेट्री तो है बीच में से। हाँ ये कार्य सेंटर, ये कार्य सेंटर, लेकिन इसमें प्लेनो सिमेट्री आएगी कि नहीं? आएगी हाँ चलो इसमें लगा दिया आई, अब लगा दिया, अब बताना अब कितने सीर आइसमर्स? अब इसमें कितने सीरो आइसोमर्स होंगे? हाँ फोर सर, फोर। फोर, किस किसने आंसर दिया है? फोर किस किस का आंसर है ये? फोर आंसर जिसका है इसका करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों से तो आएगा दो सीरो आइसोमर्स, इन दोनों से आएंगे दो सीरो आइसोमर्स, और ये एक अलग है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तो 2:2:4 आंसर आएगा। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। एक क्वेश्चन ये पूछा था IIT ने, ये अभी तुम निकाल लोगे, इजी है, ये बना दिया और इस कंपाउंड का नाम भी कर लेना, नाम है इस कंपाउंड का मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कैम्फर नाम है इसका, कैम्फर, कैम्फर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी को याद है? सॉल्यूशन चैप्टर, लास्ट मेथड उसकी सॉल्युबिलिटी, हाँ बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी नहीं, रास्ट मेथड, मैक्रोमोलिक्यूल का मास निकालने के लिए, याद आया? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये की बात है, ये याद है, ये इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, यहाँ एक लगा दो मिथाइल और डबल बॉन्ड हो, इसमें कितने बनेंगे सीरो इसमें कितने होंगे? सीरो इसमें कितने होंगे इसमें? दो है, दो हाँ दो पर क्यों है दो? मिरर इमेजेस बनेंगी। नहीं दो ही कार्य सेंटर क्यों, ओ सॉरी, दो ही सीरो इसमें क्यों बोला आंसर? सर मिरर इमेजेस बस, अब वही बनेगी, बस मिरर रिजिड रिजिड कार्य इमेज। सेंटर्स हैं, डिपेंडेंट कार्य सेंटर्स, कार्य सेंटर ये रहना, ये वाला और ये वाला, किसी एक में भी चेंज करोगे दूसरों में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट कार्य सेंटर्स, क्लियर है कि नहीं? ये यस सर, नहीं ये पता होना चाहिए, डिपेंडेंट कार्य सेंटर्स, एक आध क्वेश्चन और लिखना इसका, जैसे ही ले लिया, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एगमेंटेन, ये बनाने का तरीका है इसका, जो ऊपर वाली वैलेंसीज है उनको दिखा दो बस, ये ऐसे बस, अब ये दिखा दिया ना, इसको जोड़ दो, ये इससे जुड़ेगा पॉइंट से, समझ पा रहे हो ना इसको, कंपाउंड समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अर्पित क्लियर हो रहा है कंपाउंड क्या है? यस सर। एक बार इसी इसी को बना रहा हूं दोबारा, ऊपर वाली वैलेंसीज, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर, यहां लगा दो एफ, एफ या सीएल कुछ भी लगा दो, एफ या सीएल, इसके अलावा इसी में एक और दिखा रहा हूं मैं कंपाउंड,
ऊपर वाले पॉइंट्स, 1 2 3 यहां लगा दिया एफ, यहां लगा दिया सी एल, और एक कंपाउंड और ले रहे हैं ऐसे ही। तुम्हें बताना है इसमें टोटल सी रोइसमेंट कितने बनेंगे और कार्य सेंटर्स कितने हैं। एफ सी एल बी आर आई, ये कंपाउंड एगमेंटेन। तुम जाना है इसके अंदर, फिर मैं एक और दे दूंगा इससे रिलेटेड। तुम जाना है सब में सीरो इसमें कितने होंगे, कार्य सेंटर्स कितने हैं, सब में सीरो इसमें कितने होंगे, कार्य सेंटर्स कितने हैं। निकाला किसी ने? सर कायरल सेंटर तो 3 3 3 4 और स्टीरियो आइसोमर्स 0 0 0 2। कार्य सेंटर 3 3 3 4, यस सर।
सर, और किसी को बोला आंसर? सर सर पहले में कारण सेंट्रल 0, दूसरे में 1, तीसरे में 3, चौथे में ये किसने 4, बोला है? सर अल्पेच। अभी उससे पहले किसने बोला था? सर आयुष, आयुष, आयुष अब एक बार देख लेंगे। मान लो तुम्हें कार्य सेंटर जो दिखेंगे ना, तुम्हें जो दिमाग में आएगा, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला, जो भी ब्रिज हेड टाइप का है, तीसरा ये, चौथा ये, यही आएंगे चार। अब तुम यहाँ पे देखो, चेक करो एक बार, इस कार में, मान लो मैं इस कार में चेक कर रहा हूँ, इस कार में चेक कर रहा हूँ, तुम इधर गए, एक छोड़ के ब्रिज हेड आ रहा है, दो बॉन्ड निकल रहे हैं उसके बाद, इधर भी गए, एक छोड़ के ब्रिज हेड आ रहा है, दो बॉन्ड निकल रहे हैं इसके बाद भी, इस इधर गए, एक छोड़ के ब्रिज हेड आ रहा है, और ये बॉन्ड निकल रहा है ये वाला, और यही इसके साथ निकल रहा था, क्लियर है कि नहीं है? और ये दूसरा बॉन्ड निकल रहा है, तो क्या ये कार्य सेंटर है? ऐसे ही तुम चारों में चेक कर लेना, कोई कार्य सेंटर नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं है? यस सेकंड केस चेक करो, उसमें एफ वाला, अब अकेला जो एफ है वो है क्या कैरल? तीन है इसमें। एफ वाला केस चेक करोगे, वो भी कैरल नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं? एफ वाला जो केस है, यस सर। देख रुकेंगे, एक कंपाउंड दोबारा देखना, एफ जो जो ये सिंगल कार्बन वाला है, ये ऊपर, यही है कंपाउंड, और यहां पे एफ है, सिंगल वाला, समझ आ गया कि नहीं? इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, ये समझ आ गया कि नहीं? सिंगल वाला, तुम इस वाले को सोचोगे अगर है ये, तो तुम इसके अराउंड वैलेंसी चेक करो, ये वैलेंसी देखो, इधर गए सेकंड कार्बन पे, इधर भी सेकंड कार्बन में सबको सेम आ रहा है, इधर भी सेकंड कार्बन में सबको सेम आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है? तो कार्य सेंटर नहीं है कोई इसके अंदर, ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस यस सर। सर। तो ये आ गया ना, अब यहां पे अगर लगा दिया सीएल, यहां लगा दो सीएल, अब ये सीएल लगा दिया, अब क्या होगा? आप इसमें कार्य सेंटर है कि नहीं? यस सर है।
कितने अब? तीन तीन तीन। अब ये ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। इसमें तीन नहीं है, किसी और को आंसर देना आंसर। ये आंसर जो देता है ना, फिर उसको ब्रेन सही चल रहा है। ये टफ है थोड़ा सा। इसमें कार्य चार सेंटर है। किसने बोला चार? सर चार नव्यांश। नव्यांश। एक बार देखो, देखो तुम ये दो निकाल लोगे, ये वाला और ये वाला। ये आ रहे ना कार्य की, नहीं चेक करो। यस सर देखो इसमें इधर गए तो एफ आ गया ऊपर, इधर गए तो सी एल आ गया ऊपर, सही ना? दो वैलेंसी हो गई। तीसरी वैलेंसी यहां गए, यहां गए तो इस पॉइंट पे चेंज आएगा। और चौथी वैलेंसी पे क्या है इसमें? चौथी वैलेंसी पे क्या है? एच। चौथी वैलेंसी पे एच है ना, तो ये कायरल है। ऐसे ही सिमिलरली नीचे वाला भी, इसके नीचे वाला भी कायरल है, इसके नीचे वाला भी कायरल है। क्या क्लियर हो गया? ये दो क्लियर हो गए। क्लियर विदाउट एफ और सी एल वाले कायरल है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये यस सर अब बचा एफ और सी एल वाला, सही ना? एफ और सी एल वाला देखो, तुम एक बार को देखोगे ढंग से ना तो तुम लगेगा कि कायरल नहीं है। कैसे? विदाउट एफ और सी एल वाले देखो, इधर गए तो यहां पे क्या आया? दो बॉन्ड। ये आया कि नहीं? ये आ गए। और इधर भी गए तो भी यहां पे दो बॉन्ड, और इससे भी सी एल उतना ही दूर है। ये तुम्हें लगेगा दो बॉन्ड सेम है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? आयुष, यस सर क्लियर। चित्राक्ष, ये क्लियर है ना? लेकिन ना अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला कार्य सेंटर और ये वाला कार्य सेंटर ना, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। एग्जैक्टली सेम नहीं है ये। इस पे पीओएस आएगा, चेक करो एक बार। ये नंबरिंग दोगे ना, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन को काटो, ये दोनों कार्बन को काटो। अभी ये अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें, इन दोनों को जब कट करोगे तो क्या क्या कट होगा। और ये दोनों आएंगे मिरर इमेज एक दूसरे की, क्या क्या कट होगा इसमें चेक करो। नंबर दे दो बेशक इसमें। सीएल कट होगा, ये कार्बन तो कट होगा ही, और एफ भी कट जाएगा, बी कट जाएगा। ये कटेगा कार्बन, ये कार्बन कटेगा, ये कार्बन कटेगा और ये कार्बन कटेगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर ये चार कार्बन कटेंगे और ये दोनों आएंगे मिरर इमेज, आएंगे कि नहीं? यस सर ये दोनों आएंगे मिरर इमेज, इसीलिए मिरर इमेज हैं तो इसे हम नहीं मानते इनको। ये अगर मान लो आर है तो इधर ऐसा होगा, या इधर ऊपर ऐसा तो नीचे आर होगा, इस टाइप से होगा कि नहीं? ये यस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सोचोगे तो क्लियर होगा। ये तो इसमें चार कार्य सेंटर्स हैं, इसमें चार कार्य सेंटर्स हैं, लेकिन सीरो इसमें से कोई पूछेगा तो दो ही बोलोगे। वो पता ना क्यों? क्योंकि वो सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। एक केस और एक लास्ट केस यही बता रहा हूं मैं, जो बी आर और सी एल वाला था। यहाँ बी आर लगा रखा है, यहाँ आई लगा रखा है। बी आर और आई, इसमें क्या हुआ? बताओ इसमें क्या होगा? चार कार्य चार ही होंगे हाँ, इसमें चार कार्य सेंटर होंगे, लेकिन सीरो इसमें कितने बनेंगे? दो। दो। यहां पे लगा दिया, मान लो अगर मैंने एक से यहां पे लगा दिया एमई, तब क्या होगा?
कितने बनेंगे सीरो आइसोमर्स? सर चार, हाँ, और काले सेंटर कितने हैं आयुष? सर मतलब 5 हो जाएंगे। हाँ, काले सेंटर 5 है, लेकिन सीरो आइसोमर्स 4 ही क्यों बने? डिपेंडेंट है पैरेंट सेंटर्स कार्बन। सॉरी ये अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? नहीं है, ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं ढंग से? डिपेंडेंट कार्य सर, सेंटर्स, रिजिड कार्य सेंटर्स, ये आना चाहिए ढंग से बिल्कुल। चलिए, ये टॉपिक आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके अंदर एक मिरर इमेजेस वाला टॉपिक, मिरर इमेजेस वाला। चलो एक बार रिज्वाइन करना, मैं क्वेश्चन कराता हूँ कुछ और।